बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आज के इस वीडियो में हम इसी कॉलेज के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, उसमें कितनी सीट अवेलेबल है, एडमिशन प्रोसीजर यहाँ का क्या रहता है और कितनी फ़ीस लगती है, यानी कि फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप भी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज यानी कि BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है बाबा राघव दास यानी कि BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट की तो 1972 में इसका स्थापना हुआ था, एफिलिएटेड विद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी एंड अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो इन दोनों ही संस्थाओं से ये एफिलिएटेड है और इसके साथ ही साथ में ये अप्रूव्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC के द्वारा। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये गवर्नमेंट संस्था है, यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल एरिया है BRD मेडिकल कॉलेज कैंपस की, वो है 147.6 एकड़। अगर बात करें टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया की तो वो है 12,000 स्क्वायर मीटर्स। तो ये काफ़ी बड़ी संस्था है। अगर बात करें डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे स्टेशन यानी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन से इस कॉलेज की जो बीच की दूरी है तो लगभग 8.7 किलोमीटर यानी कि लगभग 9 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो ये रहा इस कॉलेज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है। अगर बात करें यहाँ के अवेलेबल कोर्सेज और सीट्स की तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत MBBS और BSc नर्सिंग, ये दो कोर्स कराए जाते हैं। अगर सीट की बात करें तो MBBS में कुल 150 सीट है और BSc नर्सिंग के कोर्स में यहाँ पर 40 सीट है। अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की तो यहाँ पर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD और मास्टर ऑफ सर्जरी यानी कि MS के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स हैं? तो इसके अंतर्गत है MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन एनेस्थीसियोलॉजी, जिसमें कि टोटल 12 सीट हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रसी, इसमें टोटल जो सीट है वो है 3। नेक्स्ट कोर्स है MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन जनरल मेडिसिन, तो इसके अंतर्गत टोटल 15 सीट अवेलेबल है। MD इन पीडियाट्रिक्स, इसके अंतर्गत टोटल सीट है वो है 7। MD इन पैथोलॉजी, टोटल सीट है इसके अंतर्गत वो है 12। MD इन फार्माकोलॉजी, इसके अंतर्गत जो टोटल सीट है वो है 5। MD इन फिजियोलॉजी, इसमें भी टोटल 5 सीट है। MD इन साइकेट्री, इसमें टोटल सीट है वो है 3। MD इन रेडियो डायग्नोसिस और रेडियोलॉजी, इसमें जो टोटल सीट है वो है 3। इसके साथ ही साथ यहाँ पर MD इन सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन या फिर कम्युनिटी मेडिसिन के अंतर्गत जो टोटल सीट है वो है 5। MD और MS इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इसके अंतर्गत टोटल 10 सीट है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर MD और MS ऑप्थेल्मोलॉजी, ये भी कोर्स कराया जाता है, टोटल सीट है यहाँ पर 5। MD और MS इन एनाटॉमी, इसमें भी टोटल 5 सीट है। MS इन जनरल सर्जरी, टोटल यहाँ पर 12 सीट अवेलेबल है। MS इन ऑर्थोपेडिक्स, इसमें टोटल सीट है 5। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर ऑफ सर्जरी इन ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, ये भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें टोटल 3 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ यहाँ पर PG कोर्स के अंतर्गत डिप्लोमा के भी कोर्स कराए जाते हैं, जो कि है डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, जिसमें कि टोटल 3 सीट अवेलेबल है। डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, टोटल सीट है इसमें 5। और डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, इसके अंतर्गत जो टोटल सीट है वो है 3। तो दोस्तों, ये हैं वो सभी कोर्सेज जो कि यहाँ पर UG और PG कोर्स के अंतर्गत कराए जाते हैं। कितनी सीटें हैं ये भी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सब ने जान लिया है BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, यदि बात करें यहाँ के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में तो BRD मेडिकल कॉलेज में यदि आपको MBBS का कोर्स करना है तो उसमें जो एडमिशन होता है वो नीट UG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होता है।
यानी कि यदि आपको यहाँ पर MBBS कोर्स करना है तो सबसे पहले आपको नीट UG का एग्ज़ाम देना होगा, और काउंसलिंग में आप इस कॉलेज को जब सेलेक्ट करेंगे तो ही यहाँ पर आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर बात करें BSc नर्सिंग कोर्स की, तो यहाँ पर जो एडमिशन होता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और काउंसलिंग के माध्यम से यदि आपके अच्छे रैंक आते हैं तो इस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगर बात करें PG के जो ये तीन कोर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD, मास्टर ऑफ सर्जरी यानी कि MS और डिप्लोमा, इन तीनों में ही जो एडमिशन मिलता है वो नीट PG के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर मिलता है। यानी कि PG लेवल पे जो नीट का एग्ज़ाम होता है, यदि आप उसे क्वालिफाई करते हैं तभी आपको यहाँ पर इन तीनों ही कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का एडमिशन प्रोसीजर क्या है अब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। दोस्तों, यदि बात करें BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे जो MBBS का कोर्स है उसके लिए जो एनुअल फ़ीस है वो है 42,000 से लेकर के 45,000, तो इसी के बीच में इसका जो फीस है वो वैरी करता है। अगर BSc नर्सिंग के कोर्स की बात करें तो इसकी जो फ़ीस है एनुअल वो है 35,000 रुपये से लेकर के 42,000 रुपये। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD, मास्टर ऑफ सर्जरी यानी कि MS और डिप्लोमा, इन तीनों ही PG कोर्स के लिए जो फ़ीस वैरी करता है 45,000 रुपये से लेकर के 65,000 रुपये पर ईयर एनुअल फ़ीस, यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो ये सारे फ़ीस इसी के बीच में वैरी करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आप सभी ने जाना बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, सीटें कितनी है, एडमिशन प्रोसीजर यहाँ का क्या रहता है और यहाँ पर कितना फ़ीस लगता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हमने वीडियो में कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।